बिरहा में प्रमाण मिली। भगवान कन्हैया का एक लीला और अगर भगवान श्री कन्हैया जी ई ना चाहतन तो ई न लड़ाई होते न 56 करोड़ यादव मराते। बिरहा महाराज बा बहुत भारी बिरहा बा, लोडेड बिरहा। अब मास्टर आदरणीय श्री गया कवि जी की एक रचना और कि अरे नारी कि नारी की अंकित है पन्नों में गाथा, अमर ज्योति जग में जलाई है नारी। कथन है कि ब्रह्मा ने दुनिया बनाया, मैं कहता हूँ जग को बनाई है नारी। आदि शक्ति सती बन के इंदुमती, अरे उजाले पे जिसके उजाला खिला है, लड़की देवी कहाई सती द्रौपदी, जंग में जिसके जौहर का माला मिला है। बहुत बड़े राजा भगवान श्री कन्हैया जी, बहुत बड़े राजा रहे, लेकिन समय ऐसी आई बाबूजी कि एक समय ऐसे ना आए कि उनका रथ हाँके पड़ा, रथिवान बना पड़ा। अगर उनके अंदर थोड़ा भी अहंकार और घमंड रहा हो, भगवान के अंदर अहंकार कहां से आए, तो वो रथ हाँकते कभो ना है। नारी क्या है, कवि ने अपने कलम से इशारा किया, लेकिन बात उस समय के बाद चौना समय पांचों पांडवन के लांछागिरी में जलाए के मार देवे के नाकाम कोशिश भइल। सीता के स्वयंवर रचा का और देश के बड़े बड़े बलवान राजाओं को आमंत्रित किया गया कि जे कोई आई खौलत कड़ाहा का तेल वही में दे के ऊपर मछली गोल गोल नाचे तो वही के आंख में निशाना लगा एक बार, और जेकर निशाना सटीक लग जाए राजा वही द्रौपदी दशरथ बिया हो जाए। एक पीढ़ी आगे सोई गए है और कोनो बात ना है। पांचो पांडवों का प्रवेश हुआ, मामा शकुनी दुर्योधन से कहा अरे भांजे ए भाने, कहा आए मामा का भा, कहा तो लागत जैसे कुल पांचों पांडवा आवत है रे। दुर्योधन कहलस ना तो पांचों पांडवन के लंछागिरी में जलाए के मार दिया गया, बचाए के कोनो सवाल है नहीं पैदा बा। ठठाए के हसत बा दुर्योधन, लेकिन जब धीरे धीरे पांचों पांडव करीब भैलन तब भीम भीम के ए भैया ए संति भीम के लंबाई चौड़ाई देख के मामा शकुनी कहले अरे भाई ने अरे ये तो लागा तो भीमवा हरे। शकुनी कहले आए दुर्योधन कहले आए मामा सही कहा हुआ वैसे तो लागत था। इतने ही बीच पांचों पांडव पहुंच करके अर्जुन ने बाण पर धनुष पर बाण चढ़ाया और मछली की आंख को बेच दिया मचल हाहाकार। द्रौपदी माला पहना के पति रूप में स्वीकार करके पांचों पांडव जंगल के रास्ते द्रौपदी के लेके चला बाटे। बिरहा में एक लाइन गजल बा मास्टर,
भागवत की ज्योति सबदन पे मोबाइल में किधर ध्यान है आपका? आपका ध्यान किधर? आपका हीरो इधर है। गावत की विशेष ध्यान देवे चाहिए शब्द पर। कोनो आशिक अपने मासूका से कहा था कि अखिया लड़ल बजब से फूलचंद काका कि अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थे कि हम कई से काही हमके तोहरा से प्यार नहीं थे मिलाए के राजा हम कई से काही हमके तोहरा से प्यार नहीं खे अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं खे पांडव द्रौपदी को जंगल के रास्ते लेकर के जब चले हैं बाबू तो कभी कलम उठाए कर गया कभी जी लिखे आगे आगे पांडव पीछे पीछे द्रौपदी और द्रौपदी देखे में लगा तक ऐसा कि घूंघट में जई से चंदा कि घूंघट में जई से चंदा अर शर्मा के कुछ कहत बा बा मालिक बा कि होठवा से बरस मोती अमृत के रस झरत बाहो होठवा में जैसे चंदा शर्मा की कुछ कहत बा पाकर के द्रौपदी को पांडव निहाल थे पधारे अपने कुटिया में कुंती के लाल थे पाकर के द्रौपदी को पांडव निहाल थे को पांडव निहाल थे पधारे अपने कुटिया में कुंती के लाल थे दिए आवाज माँ क्या चीज लाया हूं माई कुंती से
पांचों पांडव जब द्रौपदी के लेके अपने कुटिया के लगे पहुंचे तो उनमें सबसे पहले अर्जुन आवाज लगावत है, दिए आवाज माँ क्या चीज लाया हूँ, आशीष है तेरा मैं बाहू बल से पाया हूँ। कुंती ने कहा पांचो मिल बांट के खाओ, अर्जुन का मैया जरा बार तो आओ। अवाक हुई कुंती जब की देखी दुल्हनिया, पर खाली कैसे जाएगी मैया की बचनिया। ए भैया, पांचों पांडव द्रौपदी की लेके जब अपने कुटिया में पहुंचे तो सबसे पहले अर्जुन आवाज लगाने, माँ अरे ओ माँ कहाँ बाटू माई। हाँ तो ही मजा पाया बहन, इतना जने के पाए ना ही रहा बहन। माई की जब आवाज लगा माई कुंती वही कुटिया में बैठ के पूजा करते है। अर्जुन आवाज लगन की ए माई अरे देख हम का लेके आई बाटी। माई हुई पूजवा बैठे बैठे कहते रे पगला जवान कुछ लाई है तो नहन कुल मिला पांचों मिला बांट के खा ले। अब अर्जुन कहते अरे मोरे माई रे खरबूजा ना आई लाई है न तो जलेबी न है, पहले बहरे आए के देखा जल्दी अब बहरे अरे ऐसे बांट दे मेहनत हम करी बांट सब खाए। अरे दुल्हन लड़का आई है ये बांटे वाली चीज ना हो। माई कुंती जबर के हली हली बहरे आई न रे लगन भी हाँ कई मन दुल्हन ले ले। अरे तुरहन केकर लड़की हाँ के लिए ले रे जहाँ से लड़का आए का जल्दी फट से ले पहुंचाओ। कहाँ घर हो जे तुरंत पहुंचा के आओ। अर्जुन कहले माई रे द्रुपद के राजा राजा द्रुपद स्वयंवर रचे रहे हम आँख भेद के अपने मेहनत से अपने बाजू के ताकत से द्रौपदी जीत लाई बाटी माई। कहीं ऐसा नहीं तुम्हार पतोई है चल बेटी घरे में लेकिन बिरहा में थे तरज बदले मास्टर। भाभी जी माता बहन शादी विवाह में ई गीत के गावत है, तोहरे से ज्योति महिलन की गीत है, मरद से हट के बा माता बहन लोग गावे ली पारंपरिक गीत है। कहवा से आवेले बाबा कहती तिलावा हो, कहवा से आवेले बाबा कहती तिलावा हो, कहवा से आवे लाल मैना अहिरे सांवरिया, पहले के जमाने में मुंह से निकली बोली और आज के समय में बंदूक से निकली गोली दोनों एक कई समान बा। आप कुंती माई के मुंह से तो निकल के पांचों जने मिल बांट के खा, यही बात धोखा कही गई द्रौपदी के अखबार में भर के जब माई कुंती काली बिटिया चला घर में तब द्रौपदी उलट के पल्ला झाड़ के कलश की माँ एक बात मेरी सुन लो। द्रौपदी कहा था का कुंती लिया के चलली घर में बहुरिया हो, कुंती लिया के चलली घर में बहुरिया हो, उतरल बजाई के अजोरिया हो गई।
बोले द्रौपदी गुजरिया हो। पाचीठे माला मंगवाई द मायारिया, पाँचो जन के पहिरोली देही घरिया, मनवा विभोर हो गई। पाँचो जन के द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है माता कुंती के समक्ष कि अय माँ आपने तो कह दिया पांचों जने मिल बांट के खा, लेकिन इबतिया सिद्ध कैसे होई? ऐसन काम होए कि तोरे बात के मर्जाद रह जाए और हमहन के सम्मान रह जाए। माई कुंती, ए भैया ए इतनी एक थमा माई कुंती काली, तब बेटी का कहल चाहतू? द्रौपदी कहलत के सुना ऐसन करा जब बाटिए देले बाड़ू तो पांच ठे माला मंगवाए दा, अब पांचों जने को हम बारी बारी से पहराए दे। पांचों जने हमार पति हो जाई हैं तो आपके बात भी आपके बात के सम्मान रही जाए, कोई दुनिया में उंगली ना उठाए पाए। वैसे ही कहली माई कुंती पांच ठे माला मंगवाए के द्रौपदी से बारी बारी से पांचों पांडवन को पहरवाए दी। जब अर्जुन के लगे द्रौपदी माला लेके पहुंची, कहले का हो ए तनी मुड़ी, ए भैया ए भैया हमारी ओर ध्यान रहे, ज्यादा हर जगह ऐसा लोग रहे ओकर बात नहीं हो। तो कहले का हो कमान सिस्टम है? बफर सिस्टम है। कहले ये तो अनु बफर सिस्टम, कहले जीत के लिए अली हम। अब पांचों जने जाना कि पांचों जने जीत गए, भैया हमारा तो पत्ता गोल। धीरे धीरे दिन बीते लगा, जब जहाँ शादी विवाह के माहौल रहते है थोड़ा सा चहल पहल भीड़ भाड़, खाना के सुगंध महक जान ला उमड़े लगत, तो बिरहम एक लाइन तरज मास्टर कौनो लड़की नए मॉडल के हम आवतनी तू धाली है। कौनो लड़की बंबई शहर से गांव में आई गई, जब गांव में आई गई तो कर पहन पहनावा जीजा भेषभूषा बंबई वाला आप सब जानते ही है। अब जमाना तनी सा ओवर होई गबा, उ लड़की है हेतना ला पहिरे बा अम्मा एतना खुलल बा, आय हाय हाय आ त गांव के कुक्कुर जवान हुआ, गांव को कुक्कुर कुल्लेहन दौड़ाए, जब हां हां कह के दौड़ाए तो हमरे मतिन कोनो लड़की है, हमरे मतिन बा बारे लड़का का तो का लागत बुढ़ाई गई है बा लड़का हुआ। हां त कालर के सुना ये कुकुरा तुम्हें तो ओइसे ना दौड़ावत हूँ, तुहार बेस भूसवे ऐसन बा कि नहन गांव देहात में पहली बार देखे हैं तो नहन का कुछ अजीब लगता है, तो तनी से बच बचाए करा और अपने पहन पहनावा पे तनी सा ध्यान दा। बदलाव दे कैसे कहले सा कि अरे ऐसन डरेस नहीं तो हरा पे मैच करे बॉडी के ढांचा पे, ना तो मोबाइल रहा ना चिट्ठी पता ही कौनो सिस्टम रहा,
लेकिन एक कई सिस्टम रहा, उस सिस्टम के रहा है सुरेश भैया महर्षि नारद नारायण नारायण अरे नारद अरे हम ना नारद हर गाँव में ठे नारद हैं नारद मुनि यही दिन नारद कुछ न पावे वही दिन हड्डी फेंक पूरे लड़ावे वही हाल उनका रहा नारद आकाश लोक में घूमत है जंगल में पहुंचे बढ़िया पकवान सुगंध उनके नाक में का जब नाक में गवा तो उनका मन भर के धरती पे चले चाहे पता लगावे चाहे आखिर बात कब कब अरे तेरा सितार मुनि नारद जी आई नहीं या कदीन धरतिया पे तेरा सितार मुनि नारद तेरा सितार मुनि नारद जी आई नहीं या कदीन धरतिया पे तद फले पंचाली के भगिया माई कुंती के बतिया पे सुमत नारद मुनि माई कुंती के कुटिया में अब सोचत हुआ नीचे आए के जाई आखिर पता नहीं झगड़ा झंझट बा कि अनासे की भीड़ बा मन नहीं मानते एक बारी मन कहा तक जा एक बारी मन कहा तक मत जा लेकिन तोरी मतीन चुरकी रखाए रहे नारद मुनि एंटीना खड़ा हो गया हाँ बात को ठीक है ठाक या जाके अलग जगह नारायण जब नारायण नारायण का आवाज सुनन घर में कोई बात आके भीमसेन सा सम्मान ले जाए बैठाएन कहन धन हो के जीवन प्रभु आ पाएन इतने ही में माई कुंती नारद मुनि पास जाके कहली कि सुना बड़े भाग से आई गया हमारे घर में पतोई आये कोई पतोई हमारे भाग देख लेते कैसा भाग भाव कर कले बोलावा जल्दी लेट मत करा तुरंत हमार कमवाई है बा देखक द्रौपदी हाथ में थाली अपन घूंघट लंबा डाल के नारद मुनि के सामने वह थरिया परोसे के चाहता तबले थे घटना घटी का कि नारद जी के माथा ठन कल द्रौपदी के देख के भागे बीड़ा धारी हो सितारवाए अपन फेंक के अरे सारी खुशहाली पे पानी फिरल गम छलका सुरतिया पे सुरतिया पे देख ले पंचाली के भगिया माई कुंती के बतिया पे द्रौपदी जैसे अपन हाथ बढ़ाए इसके महाराज पनिया पिए के बाद हमार देख ले जैसे ही हाथ देखे नारद मुनि मालूम पड़े कि नीचे से कोनो बीछी मार दी उठ के झोला तमोड़ा फेंक लगले हर 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 भागे अब यार कोई पूरा खर खानदान पूरा परिवार समझी नहीं पावे था कि आखिर नारद मुनि भागत कहाँ पर है लाइन धैले है कहाँ माई कुंती जितना देर में समझती भीम के आवाज में भीम
आखिर पता लगावा कि द्रौपदी का हथवा देखत नारद मुनि काहे छोड़ के भागत है। नारद मुनि काहे घर छोड़ के भागत है पता लगा रहा। जब तक यार भीमसेन पता लगावा चाहते हैं तब तक 8-10 किलोमीटर नारद मुनि निकल गए हैं दौड़ा के हचक पकड़े भीमसेन नारद मुनि के। कहले हे मुनिवर अरे भागत का है वह महाराज सेवा भाव कोनो कमी भाई का अरे तोरे बदे स्पेशल मिल्क केक मंगावा रहा हम कमी होई के का कंद मूल फल ना आई पाया का। नारद मुनि कहे ना हम जाबे न करब हम तो अपने घरे जाबे। चलेन बकुलवन की न्याय तो यही पीछे वाला टोंग भीम से लेन फिर पकड़ कहन कहा कहा हम न जाबू कहा आखिर कहे न जाबा कहा भैया हो मोर भैया हमार जान हमका बहुत प्यारी हम मैं हमरे घरे जाए जा। कहन पट्ठे रोवत कहे बाटे साफ सुथरा बात बता चलबे कि ना चलबे। नारद मुनि कालन कि ना चलब भीमसेन को गुस्सा आयल उठा के पड़सिया को ही कान्हे पे उठा के लिया के अपने घरे वही खटिया पे अंगुरी दोनों ऐसे आंखी लाई सटा के कहा नारद जब उठा हो बस जान लिया की हाँ कहानी अंड बंड हो जाए। नारद मुनि कहे अंड बंड मतलब कहा जब हमारे गुस्सा लग जाए तू जनता है। नारद मुनि पट सोच गेन ओ एक नाम भीम बा एकरे 10,000 हाथी के बल बा एका ऊंचा हम मैं मारे अरे बप्पा हो हम अपने अपने लोक में हम जाए न पाऊ भलाई हिम्बा के चुम मार के ही चला चला। नारद घुटरी मार के बैठ गेन माई कुंती आए हाथ जोड़ के पूछा थी मुनिवर पतो हिम कवन कमी रही हमरे जवन लगा है लंगड़े लंगड़े भागे लड़का हमार हैरान होई के देखा तई हाफत बाटे ये भाई भागा कहे बताइए इसे जैसे भैंस आपत आए लड़कवा कहे बदे भगला है। नारद मुनि कहा कि सुना माई कुंती अब हम कुछ कहबे तू कहबू नारद का काम है झगड़ा लगावे के मैं बात तू विश्वास न करू पहली बार पांचों जोहान जवन तुहारी अनपढ़ गंवार लड़किया है सबसे पहले भीमवक दूर कराइए से जब तक उनका हटाऊ तब तक हम मुंह अपन खोलब माई कुंती आदे दिली के भीम अर्जुन नकुल सहदेव सहदेव सात धर्मराज पांचों के पांचों लोग घरे से बहरे जा। जब पांचों जने बहरे हो गए पैसे दे जाओ तू का काले की कहा रहे हो भैया सोती पैसे लगे पैसों तो ध्यान बात अच्छा जब कुछ न कुछ मिले तो रहते थे गावे को और ध्यान रहा थे तो हम सोचे ज्योति सोचा थे ना मिले बोला हम ही दे दे कौन बात ना बे देर आबू तबे पैबू ता भीमसेन सब बाहर हो गए। नारद मुनि कहा थे कि अब हम बात बता सकी थे जब बात बतावे की तैयारी करत थी माई कुंती हथवा जोड़ के खड़ी है बिरहा में एक लाइन गीत मास्टर पुरस्कार पुरस्कार हुआ करता है चाहे 1 रुपया हो चाहे 1011 ज्यादा मान सम्मान की बात है। स्वर्गीय रामदेव उस्ताद अपने जवानी के आलम में गीत के गाँव में गायन और गाय के चले गए ना चल न्याय गए अमर हो गए तू कहिया ले जाबा गवैयन के रोजी रोज हे मर्दे बहिने भेजत है का भाई भाई बड़ी बड़ी उम्र बा अच्छा घरे अच्छा अच्छा ठीक है ये ठीक बा अरे पयलिया कोनो कोठा के बाई ये गीत के गाए रही स्वर्गीय रामदेव विराम लिया ढाल दे
कि अरे पयलिया अरे पयलिया छन कैले राती कोठे पे पयलिया छन कैले अरे पयलिया छन कैले रात कोठे पे पयलिया छन कैले रात कोठे पे बिजुरिया 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 चमकैले रात कोठे पे बिजुरिया चमकैले कुंती बात बतावे चला थे अपन करेजा पर यार कैला अपने करेजा पे कम से कम ना तो 2 क्विंटल का पाथर धैले कहे से कि तोहरे पैर के तले जमीन खसक जाए। नारद मुनि से माई कुंती कहा थी बताऊबे पगलेटवा की बीपी उपी बढ़ाई बेरे कहे मुनिवर हमार हाथ जोड़ के निवेदन बाकी बतावा नहीं तो बीपी बढ़िया बनी पूरी आ भाई सुना कि अरे पतोहिया 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 बन जाई काल पिरवन कै पतोहिया बन जाई खाली कहा ये दही जरूर ये का कहा था नारद मुनि काले जवन कहा थी 100% सत्य कहा तनी माता तोहार पतोए ना है गौर तो बबावे की उम्मीद बिल्कुल मत करिया अगर तोरे मन में ये चलत हो कि हमार पतोए इतना निक बा तेल लगाए कि हमार गौर मीजे तो 0% उम्मीद मत करिया। अरे वो कहे रे पागल नारद मुनि कहे बहुत उल्टा बोला था माई पागल हम ना तोहार पूरा खानदान ना बचे वाला बा तोरे कुल का विनाश करे बिदाई आई बा एक एक जने के काट के मूड़ी खून पी जाए। हाथ माई कुंती के सीना वो गद 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 कर रहा था लगा था कि कर जवाब फाड़ जाइए भैया। हथवा जोड़ के नारद मुनि से कहा थी कि महर्षि कोनो उपाय है कले के हो कले उस साक्षात रणचंडी के अवतार हो उ जब तक तोरे वंश के विनाश ना कर दी हाँ तब तक यहाँ से ना जाई हाँ कले के हाई कहा काली का अवतार खून पी हाँ खून कले की सुना कौन उपाय होके बतावा तो नारद मुनि बतावा थोन का कि अरे नारद के बात कुंती मन में बैठवली हरवई में पूजा के बेदी बनावली अरे सजावे रोज पूजा के थाल भी रवन के सजावे रोज पूजा के थाल रवन के नारद मुनि काले रणचंडी के अवतार हैं जमन 8 बजे सोवत हूँ 4 बजे उठ के उनका पूजा पाठ करे शुरू कैदा हो सके तो उनका मूड मिजाज बन जाए।
बन जाए बदल जाए। एक दिन चार बजे भोरहारी में माई कुंती द्रौपदी की पूजा वही खटिया के नीचे धूप अगरबत्ती सुलगावत है, तब तक अचानक आँख खुल गई। जब आँख खुल गई द्रौपदी कलश की माँ, अरे किसके पूजा कर रही हैं आप? अगरबत्ती बरत हो माई कुंती काली की बिटिया ना, इससे हम कली मच्छर सच्छर ढेर लगत हुआ आ, इतनी बेर माछी कुल लगत ही नहीं, हम धूप जलावत रही आग तरेर के द्रौपदी कलश की माँ। सच्चाई बताऊ भी कि घोट जाए तो के कुंती काली, अरे तुरंत अवतार में। अरे बेटी वो दिन नारद मुनि आलना वो बताए कि गयन की तू साक्षात रणचंडी के अवतार हो, मार के ठठारा द्रौपदी हंसलो सरे। ये तो के नारद बताए गयन माई कुंती काली, हाँ बेटी कहना कि तू हमारे पांचों बेटवन का खाए बदे आई बैठू। ऐसन कने ऐसन अगर बात है तो सुना, दुनिया का चाहे जवान हो जाए तोरे बेटवन को कुछ न हो, तोरे पांचों बेटवन के कुछ न हो, कोई बाल बांका न कपाई हम कह देती जा। चार बजे के टाइम है भोरहरी के, तेरी में कहना बा मास्टर। जोगिनिया रड़की देवी द्रौपदी, अरे बिहली सासू माँ के भरवे में बचनिया यार बचनिया यार गतिमान समय अपनी गति पर कौरव पांडव में खेद हुआ, पासा से पासा पलट गया तब चीरहरण से खेद हुआ। हाँ यह अब कहानियां ए भैया, सीधा यहाँ बदल के आप लोगन के ले चलो कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ भगवान श्री कन्हैया जी रह थाकत हुवन। एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, पांडव अपन राजपाट लेवे खातिर लड़ाई लड़त हुवन, और हर कौरव दल कहा था कि सुई के नोक के बराबर एक एक सुई के नोक के बराबर जमीन ना दे। अनहर का बेटा अनहर द्रौपदी का चीर खींचना, एकमात्र वजह महाभारत की एकमात्र वजह द्रौपदी। द्रौपदी के वजह से इतना बड़ा महाभारत छिड़ गया जिसमें इतना बड़ा नरसंहार हुआ। लेकिन एक पॉइंट है, वो पॉइंट आप लोग भी शायद जानत हो यहाँ कि ना जानत हो, तो रोजाना कौरव और पांडव के दल से लगभग लगभग नाइत 500,000-10,000 मनई कट कट गिरे लागे, कितना हाथी कितना घोड़ा कट कट के गिर गए। अब सबसे बड़ा सवाल में ई बा, वह कुरुक्षेत्र के मैदान जहां लड़ाई होत बा वह 1,000-2,000-5,000 के मनई के एकदम जान लग खून का नदी बहता, अब फिर सवेरे वही लड़ाई होवे के बा। अब आप लोग सोचा कि रतिया भरे में लसिया जात कहां बा, के करे घरे गई नहीं कुल। एक दिन एक घटना घटी बड़का भैया, शयन कक्ष में आराम कर रहे धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन के एक नंबर लगल जात रहलो। खत्म तो नहीं होते, अच्छा अच्छा तो हली हली जात रहलो, देखा थुमन की बड़का भैया धर्मराज युधिष्ठिर वही द्रौपदी को गोड़वा धीरे धीरे दाबा थुमन, पिशाब तो बंद हो गया, लवट पड़े कि अरे भैया अरे मर्दवा मर्द होके मेहरारू के गोर दबावत हुआ, मर्द होके मेहरारू के गोर दबावत हुआ, तोरे मर्द भैला के धिक्कार बा। तने धर्मराज युधिष्ठिर कहाला, धर्मराज मुस्किआए लगे, कलेन भीम हम गोल ना दबावत ही भैया, पांचों पांडवन के जान बचावत ही। भीम के और गुस्सा लगल के देखा हमके बहकावत है, तो ने इनका सब धर्मराज युधिष्ठिर कहा थे तोरे लाज ना लागत है, मेहरारू गोड़ मीजत ना अपने छोट भाई बहकावत है,
मेरा रूपीजे एकदम दीवाना है। ए भैया धर्मराज युधिष्ठिर कहने के सुना, ए पगलू तोरे विश्वास नहीं होत बा, कहीं रतिया कूट के देख लिया कि 12 बजे रतिया में का करा थी। हाँ ऐसे गोर ना दबाव थी पापट में कहना बा मास्टर। कि अरे चटक चादनी, अरे चटक चादनी सोई डाली वो हरवा घरवा अंबर से, अरे चटक चादनी सोई डाली वो हरवा घरवा अंबर से, अचली द्रौपदी कर सो रहो हरवा घरवा अंबर से। परेशान मत होकर 10 मिनट में बिग गंगा चरण बिरहा गाय कूर खत्म कर देनी। हाँ ये बात 20 मिनट बचे जन्म हुए में। अरे पड़ी नजर जब भीमसेन के देखे रूप विकराल हो, आप पड़ी नजर खुली की खुली रह गई, पड़ल न कबहू पाला हो। अरे भीमसेन भीमसेन रणचंडी लसियन के कर हरवा हरवा माना ना, भीम से न कुल देख खड़ा नजर बाजी राम मान। अगली रात में ये बड़का भैया द्रौपदी अपने शयन कक्ष में अपन सुरहो सिंगार सजावत है। फास्ट फास्ट तेजी तेजी ऐसे बताओ थे कि कहे से 12 बजे वाला बा, ओकरे पहले हमें खत्म कर देंगे और आप सबके कहानी की निचोड़ भी मिल जाए और समझ में भी आ जाए भगवान कन्हैया का कितना खेल आए में रहा। द्रौपदी अपन सुरहो सिंगार सजा के वही कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर चली बा। भीम से सोचा था इतना सिंगार पटार खाई की लाली लिपस्टिक लगाए के हमार द्रौपदी कहाँ जाती पता लगावे परे। आगे आगे द्रौपदी पीछे पीछे भीमसेन जाके कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पहुंची तो देखा तन कि यही का करे आई नहाए इखे सरपते के जुट्टा में बैठ के भीमसेन कुल नजारा देखा थन। जब द्रौपदी वहां पहुंची तो अपन रूपवे बढ़ाई लिहिन बड़ियार से मुंह खोल करके एक बार में 100, 200, 500, 1000 हर 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 लगी खींचे जैसे थ्रेसर हो बड़का हवा डाभा। जब हवा डाभा के न्याय खींचे लगी तो ही भीमो सेन वह सरपते जुट्टा पकड़े मोर भैया अब चला जाए तब चला जाए खिंचाल जाथुन खिंचाल जाथुन कैसे कैसे जीव बचाए। लाशों का भक्षण करके जब द्रौपदी शांत हुई तब हिल्लत कापत अपन पहले तो भीमसेन गरमई मुहते कहा धरती सबसे बड़ा खवैया हम और द्रौपदी आज लाश घोटा था जाके लगे हाथ जोड़ के खड़ा बहन की देवी के है ना पाला में कहना बा। अरे धन्य धन्य देवी तोहरी, अरे धन्य धन्य देवी तोहरी, अरे धन्य बाकी रितिया रनिया। तोहई महाभारत के जलावलियु भैया माने के भगवान श्री कन्हैया जी। अरे भैया तोहार हाके अर्जुन के रथिया रनिया,
नाथ नीचे खड़ा हो भीमसेन और द्रौपदी ऊपर ले बा पहाड़ नियन दिखा दे जाए के गुड़म खोद कैसे देवी बनावटी हंसी आवत है हटल बनीचे से हवा निकल गल है भीम के देवी के है ना बेड़ी पे अरे हम तो साला हम खाना में खात रही हो तू लगलू लाज घोटे के हई देवी आप के हई देवी काली माई हई हई देवी आप हम तो खाना खात रही तू लगलू लाज घोटे ऐसा चाहत ना रहे देवी दे हम मैं कह रहे तू मत कह अरे हम ही होने आता कहा पहले रूपवई अपन छोट कैले ताकि हम तो बतिया सकी द्रौपदी अपन रूपवई छोट करके सामने अली अखिया से मालूम पड़े के चिंगारी निकल कली ए भीम का देखला हलाल कहा जवन जवन तू किहू हम कुल देखे ये तोहार लीला हम पहले जाने हो इतने हाथ बिहावे न हो दे अरे आए हो लाज घोटे कले ए भीम द्रौपदी कहा था कि सुना ए भीम तोके का लगा था कि तू सरपतवा जो हम ढुक के देखत रहे हम तो का देखे ना अरे तोरे माई के वचन दे दे बाटी कि तोरे पांचों बेटवन के कुछ ना हो नहीं तो तू हाँ आहार बन गई होता भुलाई गई तुम्हार दुल्हा यहाँ हाँ बेटा मच्छर मदिन तो हूँ पेटे में हरा हरा चला जाता पता न चला आखिरी में कहना बा मास्टर कि अरे दिहल बचन अरे दिहल बचन कुंती को है निभाई द्रौपदी आई अपने मांगी कैसे नूरावा बचाई द्रौपदी के बचन देहला के बाद तू पांचों जने सुरक्षित है नहीं जानता है वह भोराहरी में बचन दे पछताते है ओइसे तो मारे खाए भी ने तो वहीं से भी ने आइन रहे हमार खप्पड़ ये भरत नहीं रहा खूने से तो है पांच जने के मार के तोहार से खूनवा पी ले जाई तब हमका संतोष मिल जाए आखिरी में कहना बा रड़रंगी पांडव के संग जब की बाह फुलावे अरे खड़ी सयानी पतियों के संग मंद मंद मुस्कावे गावे दुनिया कुनिया डरावानी भाई द्रौपदी अपने मांगी कैसे नूरावा बचाई द्रौपदी पांडव बाबूजी द्रौपदी के आशीर्वाद से पांचों पांडव सुरक्षित रह गए लेकिन कौरव दल में कोई दिया का जलवाने वाला यह रहल महाभारत 56 करोड़ यदुवंशियन का मौत आपस में लड़ लड़ के मर गए ना सब आखिरी में कहना बा कर्ता धर्ता के रहा है भगवान श्री कन्हैया जी द्रौपदी के वरदान दे रहे हैं कि चला द्वापर युग में तो के हम खप्पड़ भर भर को खून पियाऊ गुरु बिहारी गुरु गड़े गुरु रामलाल मरुआ का अरे स्वर्ग में चंद्रिका कवि बच्चन के विजय पताका
कि जोगिनिया लड़की देवी द्रौपदी मनीष गया कवि के कविता लिखे कलमिया जोगिनिया लड़की देवी द्रौपदी कृष्ण भगवान।